हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर, जिसे हिंदी में कहते हैं लिंग। ओके, जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली जेंडर जो है वो नाउन से ही रिलेटेड है, ये नाउन की ही कैटेगरी में आता है। एक्चुअली नाउन में कई सारे वर्ड हैं जो कि मेल पर्सन को डिनोट करते हैं, ओके, यानी पुरुष जाति को, और कई वर्ड होते हैं जो फीमेल पर्सन को डिनोट करते हैं यानी स्त्री जाति को, और कई वर्ड ऐसे होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स उसे डिनोट करते हैं जिसमें कोई जान नहीं होती है, उसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो ये सब आते हैं जेंडर के तहत, ठीक है, जेंडर में ये सब आ जाएंगे। मैंने नाउन पे भी वीडियो बनाया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसे चेक कर लीजिएगा। यहाँ मैंने आई बटन पे डाल दिया है, आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ऐसे तो जेंडर स्पेशली तीन तरह के होते हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, यानी MASCULIN, यानी मैस्कुलिन, और GENDER जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हिंदी में पुलिंग कहते हैं। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, FEMININE, फेमिनिन, GENDER जेंडर, फेमिनिन जेंडर, यानी स्त्रीलिंग, हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। और तीसरा है न्यूट्रल जेंडर, यानी NEUTER न्यूटर, GENDER जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, जिसे हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स इसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। या अगर हम सीधे साधे भाषा में ये कहें कि जिसमें जान नहीं होती है, विदाउट लाइफ जो थिंग्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, जो कि न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि पुलिंग। ओके, तो मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स मेल पर्सन, मतलब जिससे हमें मेल पर्सन यानी पुरुष जाति का बोध होता है वो होता है मैस्कुलिन जेंडर। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल में क्या गया, बॉय लड़का, फादर यानी पापा पिताजी, ब्रदर यानी भाई, हस्बैंड यानी पति, सन मीन्स बेटा, एक्टर जो कि एक्टिंग करते हैं टीवी सीरियल्स, टीवी में या फिर पिक्चरों में, जैसे आमिर खान, शाहरुख खान, बड़े बड़े स्टार्स जो होते हैं एक्टर, वो हो गए, लायन और टाइगर एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर। ओके, अब दूसरा है फेमिनिन जेंडर, यानी स्त्रीलिंग। तो फेमिनिन जेंडर डिनोट्स फीमेल पर्सन, ठीक है, इससे स्त्री जाति का बोध होता है फेमिनिन जेंडर से। ओके, फीमेल पर्सन का बोध होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, गर्ल यानी लड़की, वुमेन यानी औरत, मदर मीन्स माँ, डॉटर मीन्स बेटी, वाइफ मीन्स पत्नी, एंड टाइगर्स मीन्स फीमेल टाइगर। तो हमने मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर को समझ लिया है। अब हम इसे चेंज करके देखेंगे, मैस्कुलिन को फेमिनिन में जैसे चेंज करना है, यह है मैस्कुलिन, ये है फेमिनिन, ठीक है। मैस्कुलिन में जैसे हमारा क्या आता है, हमने पहले ही पढ़ा है ब्रदर, ब्रदर यानी भाई, तो फेमिनिन में क्या हो जाएगा, सिस्टर, सिस्टर यानी बहन। उसी तरह मैस्कुलिन में क्या आता है, मैन, मैन मीन्स आदमी, और ये हो गया वुमेन, वुमेन मीन्स औरत। किंग, किंग मीन्स राजा, मैस्कुलिन में आता है राजा, और ये हो गई क्वीन, रानी। उसी तरह प्रिंस, किंग का बेटा प्रिंस कहलाता है, तो ये है प्रिंस, राजकुमार, और प्रिंसेस, राजकुमारी। तो देखिए प्रिंसेस की स्पेलिंग बहुत इजी है, PRINCE है इसमें, तो प्रिंस ही लिख देना है और केवल डबल एस लगा देना है, ठीक है, डबल एस लग जाएगा तो वो प्रिंसेस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये है एक्टर, एक्टर जो मूवीज में काम करते हैं, टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, जो भी एक्टिंग करते हैं वो एक्टर कहलाते हैं। तो ये एक्टर मेल, मेल पर्सन में आ गए एक्टर, और फीमेल पर्सन में जो एक्टिंग करते हैं, वो जो एक्टिंग करती हैं वो हो गई एक्ट्रेस, ठीक है। तो इसमें भी हमारा ACTOR एक्टर, इसमें भी ACTR है केवल, और ESS एक्ट्रेस हो गया। ओके, एक्टर का फेमिनिन जेंडर एक्ट्रेस। अब ये है कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा, और हैन मीन्स मुर्गी, HEN हैन मीन्स मुर्गी। ये फादर, जो हमारे पापा होते हैं, पिताजी होते हैं, उन्हें हम फादर कहते हैं, तो फादर का फेमिनिन जेंडर हो गया मदर, मदर यानी हमारी माँ,
तो एफ है टी एच ई आर फादर और एम और टी एच ई आर मदर। देखिए इसमें भी टी एच ई आर है और इसमें भी टी एच ई आर है। अब ये है सर, जैसे हम स्कूल में या फिर कहीं भी ऑफिस में जाते हैं तो मेल पर्सन को बोलते हैं सर, तो ये सर हो गए मेल पर्सन में। और फीमेल पर्सन में यानी फेमिनिन जेंडर में मैडम कहते हैं, तो ये हो गए मैडम, ठीक है, एम ए डी एम मैडम। ये बुल, बुल जिसे हिंदी में सांड कहते हैं, बुल, बुल का फेमिनिन जेंडर होता है काओ, सी ओ डब्ल्यू काओ। अब ये है हॉर्स, एच ओ आर ए सी हॉर्स, हॉर्स का फेमिनिन जेंडर होता है मेयर, एम ए आर ई मेयर। ये है टाइगर, टी आई जी ई आर, और इसका फेमिनिन जेंडर हो गया फीमेल टाइगर यानी टाइग्रेस, तो इसमें भी लग जाएगा टी आई जी ई आर, सेम ये लिखा जाएगा और ई एस एस लग जाएगा। ओके, हमने एस एस किस में लगाया था, एक्ट्रेस में भी हमने एस एस लगाया था, प्रिंसेस में भी हमने एस एस लगाया था। ये टाइगर है टाइग्रेस। ये है अंकल, यू एन सी एल ई अंकल, यानी काका मामा चाचा जो भी होते हैं वो अंकल में आते हैं, तो उन्हें हम अंकल कहते हैं। और ये हो गए आंट, ए यू एन टी आंट, यानी चाची काकी मामी ये जो हो गई वो आंट हो गई, तो ये फेमिनिन जेंडर हो गया, अंकल का फेमिनिन जेंडर आंट। अब ये है सन, ए सो एन सन, सन मीन्स बेटा, और डॉटर, डॉटर मीन्स बेटी, डी ए यू जी एच टी ई आर डॉटर। इसकी स्पेलिंग थोड़ी लंबी है तो इसकी स्पेलिंग को अच्छे से याद करना होगा, डी ए यू जी एच टी ई आर डॉटर मीन्स बेटी। ये है हस्बैंड, एच यू एस बी एन डी हस्बैंड यानी पति, और डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ मीन्स पत्नी, तो हस्बैंड का हस्बैंड इसका फेमिनिन जेंडर हो गया वाइफ, ठीक है, वाइफ मीन्स पत्नी। ये है बॉय, मैस्कुलिन जेंडर में बॉय, और ये है गर्ल, जी आई आर एल गर्ल, तो बॉय का फेमिनिन जेंडर हो गया गर्ल, जी आई आर एल गर्ल, बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की। तो आई होप दोस्तों बच्चों को हेल्प मिलेगी समझने में मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उसे आपको प्रेस करना है, और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। ओके, मैं ऐसी ही वीडियोज़ बच्चों के लिए डालते रहती हूँ। ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।